बिजनौर में भी फिल्म पद्मावत का विरोध शुरू हो गया है। आज हिंदू युवा वाहिनी और भारत शक्ति दल ने शहर में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन देते हुए बिजनौर में फिल्म रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। उधर पुलिस ने कल फिल्म प्रसारण के दौरान होने वाले विरोध के मद्देनजर सिनेमा हॉलों की पूरी सुरक्षा देने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिजनौर में हिंदू युवा वाहिनी और भारत शक्ति दल ने आज फिल्म पद्मावत के रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए शहर में प्रदर्शन किया और फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली का पुतला दहन किया। साथ ही डीएम को ज्ञापन देकर फिल्म की बिजनौर में रिलीज करने पर रोक लगाने की मांग की। उधर पुलिस ने भी फिल्म के रिलीज होने के दौरान किसी भी तरह के होने वाले आंदोलन को रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। एसपी ने जिले के सभी सीओ और थाना प्रभारियों को फिल्म प्रसारण के दौरान सभी सिनेमा हॉलों को पूरी सुरक्षा देने और फोर्स को सिनेमा हॉल पर तैनात रखने के साथ ही हिंसक आंदोलन के लिए अतिरिक्त फोर्स भी तैयार करने के आदेश दिए हैं। आपने क्या होगा ये जो आने वाली 25 तारीख को आज 24 तारीख को सामने पद्मावत रिलीज होगी, ये माँ पद्मावती के ऊपर जो पद्मावत फिल्म बनाई गई है ना, इसके विरोध में हम लोग समस्त हिंदू समाज और समस्त हिंदू युवा वाहिनी जिले की पूरी समस्त यहाँ पर इकट्ठा हुई और यहाँ पर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और उनसे मांग की गई कि जिले के किसी भी सिनेमाघर में यह फिल्म ना चलाई जाए। अगर यह फिल्म कहीं भी चलाई गई तो उसका जमकर विरोध किया जाएगा और अगर इसका कोई विरोध होगा और उससे पूरे जिले में अशांति फैलेगी तो उसके जिम्मेदार सिनेमाघरों के मालिक होंगे और हमारा यह प्रशासन हमारे साथ में खड़ा होगा। बिल्कुल इसके लिए हमने यह प्रदर्शन किया है आज ताकि यह फिल्म यहाँ पर ना दर्शाई जाए और हमारे इतिहास के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। हमारे इतिहास के साथ अगर कोई खिलवाड़ किया जाएगा तो वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। अगर कोई हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी तरह चाय पुतला किसका फूका? संजय लीला भंसाली फिल्म प्रोड्यूसर जिसने यह फिल्म को बनाया है उसका यह पुतला फूका गया है संजय लीला भंसाली का। अच्छा, ऐसा क्या दिखाया गया फिल्म? इस फिल्म में हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया है जिसमें हमारा बहुत अपमान किया गया है जो हमने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।